हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर्स के यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने ये चैप्टर जो है समझ लिया था, अच्छे से कर लिया था, और आज हम करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, यानी बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स और एमसीक्यूज की फॉर्म में मैंने लिखे हैं। तो आइए इसको बारी बारी से हम लोग करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है। द यूएन जनरल असेंबली एडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, या इसका पूरा नाम या कह सकते हैं शॉर्ट नेम यह है UNFCCC। बोला गया इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था May 1992। ठीक है, याद रखना ये यूएन जनरल असेंबली थी जिसके अंदर ये बनाया गया था कि किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन करके रखें, बचाएं। यानी उसके लिए पहली यूनाइटेड नेशन में असेंबली हुई थी, यानी इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी ये प्रोग्राम बनाया गया था, आप सिंपल तौर पे ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसका पूरा नाम ये है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, UNFCCC, यानी याद रखना यहां से द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक, ये इसका पूरा नाम है। ये एक पहले ऐसे असेंबली थी जिसके अंदर सारे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे थे। ठीक, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था May 1992। ठीक, अच्छा इसको बाकी आपको मैं बता दूं कि इसको बाकी कंट्रीज ने भी बहुत सपोर्ट किया था, खास करके यूरोपियन कंट्रीज ने, और इंडिया ने भी इसको काफी सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ओजोन लेयर इज प्रेजेंटेड इन द, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि ओजोन लेयर कहाँ स्थित होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यानी इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, यानी आपको मैं बता दूं पांच लेयर होती है, तो उसकी अर्थ से दूसरी लेयर के अंदर जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है ये ओजोन लेयर पाई जाती है। क्लियर, और जो कि किससे बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था, हो सके तो उस वीडियो को जरूर देखें, तब ये वीडियो देखें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मच सोलर रेडिएशन गोज बैक इनटू द सरफेस। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अर्थ पर जो है बहुत सारा सन का रेडिएशन आता है, लेकिन उसमें से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको कितना रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट वापस भेज देता है। यानी अगर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, ये मान लीजिए अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस यानी एटमॉस्फेयर, यहां से सन की रेज आती है ना, तो काफी मात्रा में वापस चली जाती है, बहुत रेयर ही जो है कम अर्थ के सरफेस तक आती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, हाउ मच सोलर रेडिएशन गोज बैक इनटू द सरफेस, यानी कितनी वापस चली जाती है। तो इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं, अबाउट 1/3, अबाउट 1/4 सॉरी। तो इसका आंसर है ए, अबाउट 1/3, यानी एक तिहाई रेज जो है वापस हो जाती है, ये चीज ध्यान रखिए। क्लियर, और क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इसके बाद बताया गया हाउ मच सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी जो एटमॉस्फेरिक में गैसेस हैं वो कितना परसेंट जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सीधे तौर पे आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है अबाउट 20% जो गैसेस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेती है, किसको, रेडिएशन को, सन से निकलने वाले। क्लियर, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन भी एक उसमें से गैस है। आइए आगे करते हैं, बोला गया है IPCC का स्टैंड बताइए, यानी फुल फॉर्म बताइए, और उसके बाद बताया कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका पूरा नाम देखिए क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ये चीज देख लीजिए, समझ लीजिए, IPCC पूरा नाम इसका याद रखना है। ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें क्या था कि कुछ लॉज बनाए गए थे कि अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, यानी उसमें पॉल्यूशन करता है, तो उसके खिलाफ क्या है, कार्रवाई होगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, UNEP स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है UNEP, इसको बताया गया है कि इसको इसका स्टैंड क्या है। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1972। सबसे पहले मेनली आप कह सकते हो सबसे सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो यही थी UNEP, 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बोला गया है एनएपीसीसी का पूरा नाम बताइए, स्टैंड बताइए, तो मैं आपको बता दूं इसका नाम क्या है, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, एन से आ जाएगा द नेशनल, ए से आएगा एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक, और ये देखिए ये जो प्रोग्राम था ना ये इंडिया ने बनाया था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो प्रोग्राम था इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया था, क्लियर, कि किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को सुधारें। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर 8 चीजें आती हैं, 8 मिशन आते हैं, मैंने इससे पुराने वाले लेक्चर में आपको बताया है, इसके प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से जो है इसके अंदर 8 मिशन हैं। ठीक है, ऐसे ही जल का मिशन है, पॉल्यूशन का मिशन है, अलग अलग मिशन है उसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया के प्रस्पेक्टस से है। एनएपीसीसी का पूरा नाम क्या था, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था जून 2008 के अंदर। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, बोला गया नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली ग्लोबल वार्मिंग, बताया गया है कि इसमें कौन सी गैस का नाम बताएं जो ग्लोबल वार्मिंग करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या कहते हैं, एक ऐसा आप कह सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हीट इन्वॉल्व करना, यानी अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर हीट को बनाए रखना, तो हीट को कौन बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है, आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये इसका पूरा नाम है और ये शॉर्ट में सिंबल। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है, ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और आगे देखते हैं हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ लेते हैं, बोला गया नेम द यूनिट टू मेजर द ओजोन लेयर। अब देखिए ओजोन लेयर को किस में मेजर किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसको मेजर किया जाता है डॉब्सन यूनिट में, याद रखना मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डॉब्सन यूनिट से किस तरीके से मेजर करते हैं ओजोन लेयर को, कि उसकी कितनी मोटाई है, कितनी थिकनेस है। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड फॉर्म, यानी देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके ऊपर है, सॉरी ट्रोपोस्फीयर है पहली लेयर, उसके ऊपर है ये वाली लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसके अंदर कितनी रेंज तक जो है ओजोन लेयर फैली हुई है, यानी ये आपको दिख रहा है, यानी थिकनेस, तो ये है 15 से 50 किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई है। ठीक, तो यही क्वेश्चन था, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कहां तक उसका रेंज है जो फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 15 से 50 किलोमीटर तक जो है ओजोन फैला हुआ है, यानी ओजोन लेयर है किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर है और दूसरी लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, अब देखिए ओजोन लेयर को जिसने डिप्लीट किया यानी खत्म किया है उस गैस का नाम क्या है, तो ये है सीएफसी, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये एक ऐसी गैस थी जिसने ओजोन लेयर के अंदर छेद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो आप कि ये ओजोन लेयर है और इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक, काफी हद तक इसकी चौड़ाई को कम कर दिया है, तो इसी को बोला जाता है ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन होल। और ये जो गैस थी एसी या फिर रेफ्रिजरेटर से निकलती थी, जो कि अब जो है आज के टाइम में बंद कर दिया है, सीएफसी जो गैस होती थी उन प्रोडक्ट को आज बंद कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है व्हेन द ओजोन डे सेलिब्रेटेड, ओजोन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर लिख दिया मैंने 16 सितंबर को हर दिन जो है ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, 16 सितंबर के दिन तो जो है ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कि ओजोन डे के बारे में बताती हैं, न्यूज चैनल के अंदर चलाती हैं कि ओजोन डे का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक, तो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर ये आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इससे जरूरी है कि इससे प्रीवियस जो लेक्चर कराया था उसको समझे। ठीक, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर जो है कंप्लीट करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।